भैया वेरी नाइस वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग नोमैड्स एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंडर। तो कल हम लोग यहाँ पर आ गए थे, होटल में चेक इन किए, होटल बोलना शायद गलत होगा, हट्स बोल सकते हैं, चेक इन वगैरह कर लिए, देन वी टुक रेस्ट, रात को डिनर किए बढ़िया, और आज का पूरा दिन है हम लोगों के पास हुंडर घूम के देखने के लिए। अभी हम लोग पनामिक जा रहे हैं, फोर ऑफ अस विल बी गोइंग, हम लोग चार लोग जाएंगे अभी पनामिक। पनामिक में जाके हॉट स्प्रिंग पे जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे क्या है, और फिर विल कम बैक, फिर हुंडर में जितना भी सारा एक्टिविटी पॉसिबल है सारे के सारे करेंगे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम एटीवी राइड टू कैमल राइड, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो अपने साथ बने रहिए, और आज का दिन बहुत हैपनिंग डे होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कुछ एक्टिविटी हम लोग एक साथ कवर करेंगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी रियल एक्साइटिंग। सो लेट्स गो गाइज, आवर जर्नी बिगेंस आफ्टर 5 PM। वो कैमल सफारी चालू हो जाएगा, और कोई चाहे तो डर्ट बाइक भी कर सकता है। ये बेसिकली हुंडर मोर है, ठीक है, ये तीन रास्ता यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। तुरतुक जाने के लिए राइड वाला रास्ता लेना था, सीधा वैली यार, जस्ट सीधा वैली। ये वाला रोड लेकिन मेरे को बड़ा मस्त लगता है, देखो बीच में से एकदम स्ट्रेट रोड्स, माउंटेंस, बढ़िया जगह। और ये रास्ता हम लोग को ले जाएगा पनामिक तक। ओए देखो कितना बढ़िया सस्पेंशन ब्रिज बनाया हुआ है, ब्यूटीफुल विलेज। ये देखो रास्ता, ऐसे जाना पड़ेगा, और इस पॉइंट का मतलब ये वाला रोड का शायद लास्ट विलेज है ससोमा, उसके बाद फिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया चालू हो जाएंगे। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स ओनली आर्मी पीपल कैन गो। यही वाला रास्ता सियाचिन ग्लेशियर का जो बेस कैंप है वहाँ तक जाता है, और उससे भी आगे फिर सियाचिन ग्लेशियर। ये रास्ते देखो, ये पहाड़ देखो, ये आसमान देखो, और ये हवाएं देखो। अभी सुमूर विलेज है करीब करीब 6 किलोमीटर यहाँ से, और पनामिक 28 किलोमीटर्स ना, 28 किलोमीटर्स, और बीच में हम लोग को रोकना पड़ा, आप बिलीव नहीं करेंगे हम लोग को रोकना पड़ा। ये देखो सामने पहाड़, पहाड़, ये अपना बाइक है ना, खूबसूरत, इससे सुंदर और क्या, कुछ नहीं है। अभी हम लोग हैं लगजुंग, 10,000 फीट ऑल्टीट्यूड में, और वो देखो गाइस, सच में जब तक नहीं आओगे पता नहीं चलेगा, समझ नहीं आएगा। दिस पिक्चर्स, दिस वीडियोस, ये जस्टिस नहीं करता इस जगह के साथ। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिलायंस जियो का टावर ऑलमोस्ट हर जगह आता है, सबके पास, शायद BSNL का पोस्टपेड कनेक्शन ना हो, बट जियो पोस्टपेड अगर किसी के पास है तो आपको टावर का सहायता हर जगह मिलने वाला है। ये सारे लेवेंडर है, ऐसे देखा कभी? अभी जो रोड आने वाला है ना, ये शायद आज सुबह से जो हम लोग बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, इस रोड ट्रेल का सबसे खूबसूरत रास्ता होने वाला है। जस्ट देखो,
वंडरफुल। जैसा रास्ता जा रहा है ऐसे जाते रहना है, एक पेट्रोल पंप आएगा, राइट टर्न लेना है। आप अभी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर सीधा जाना है, कुछ नहीं करना है। इन लोगों को जाना था नुब्रा वैली और ये लोग पनामिक की तरफ आ गए, और गाड़ी का जो फेस था वो इस तरफ था। इसका मतलब ये एज्यूम तो कर सकते हैं कि शायद ये लोग थोड़ा और आगे चले गए थे और फिर वापस आ रहे हैं। एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ऑफ रोड जैसा है, रोड पे काम चल रहा है और राइट साइड से नया रास्ता बन रहा है। इट इज़ ईजी, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये जो सामने गांव दिख रहा है यही पनामिक विलेज है। ऑलमोस्ट पहुंच गए, यही वाला रास्ता ऊपर की तरफ जाएगा, जाके पहुंचेगा हॉट स्प्रिंग में। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे घूम के आएंगे, उसके बाद हॉट स्प्रिंग में जाएंगे। अरे 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 अरे, इतना क्या जल्दी है, आराम से। इंजीनियरली आप लोग या फिर कोई भी क्रिएटर बोलिए, इंजीनियरली जो भी कोई घूमने आता है यहाँ तक, तो पनामिक तक ही लास्ट आते हैं, उसके आगे नहीं जाता कोई। बट हम लोग अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं, उससे आगे बढ़ के। इस जगह पे देखो दोनों तरफ बस लेवेंडर ही लेवेंडर। हम लोग पनामिक को छोड़ के थोड़ा और आगे आ गए हैं, और इस जगह को आप देखो, पनामिक में रुक जाते तो शायद ये रोड ना देख पाते और ये जगह को फील नहीं कर पाते। सियाचिन कुमार पोस्ट, कोई नहीं है आसपास, देखो कोई नहीं है। ओ ब्यूटीफुल ना, ऐसा लग रहा है जैसे बस हम पहाड़ की तरफ ही जा रहे हैं और कुछ आगे नहीं है। इधर रुक जाते हैं, वो सामने सासमा विलेज है आपको दिख रहा है, और उसके बाद सियाचिन का रोड, ये ऊपर का ही सियाचिन ग्लेशियर है। और सियाचिन बेस कैंप के पहले यही वाला लास्ट विलेज है सासमा विलेज, इसके उस पार और कुछ नहीं है, आर्मी एरिया है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो थोड़ा और आगे आइए, और इतना सुंदर आपको व्यू मिलेगा ना, इतना खूबसूरत व्यू मिलेगा। देखो आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने थोड़ा सा एक्सट्रीम की तरफ पुश किया और यहाँ तक आ गया। अभी स्ट्रेट टू पनामिक, हॉट स्प्रिंग के पास जाएंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लेह लद्दाख। और हम लोगों को जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, आ गए हम लोग हॉट स्प्रिंग ऊपर तक। यहाँ से आप व्यू देखो, ये देखो कितना खूबसूरत है। कोई चाहे तो यहाँ से पैदल भी उतर सकता है। तो ये है, ए फॉर लेडीज फॉर बॉयज। तो ये है हॉट स्प्रिंग का बाथरूम, और दिस इज हॉट स्प्रिंग वाटर। और ओह काफ़ी गर्म है, ये पानी यहाँ से आता है, ये ऊपर से आके यहाँ पर कुछ इन लोगों का स्टोरेज है फैसिलिटी, फिर यहाँ पर। कैसा लग रहा है ना, ब्यूटीफुल।
कभी कभी मिरर भी इतना अच्छा व्यू देता है ना। चलो क्या मस्त चीज है यार। अच्छा खासा स्पीड उठ जाता है और जब ऐसा ट्रेन आता है थोड़ा सा स्लो करके आप ये निकलो। होप आपको एटीवी राइड आज का बहुत अच्छा लगा होगा। ये थोड़ा यूनिक था, बहुत सारे लोग कर रहे थे बट आई हैव नॉट सीन एनीवन रिकॉर्डिंग दिस बट इट इज़ अ गुड थिंग ना, अच्छा लगा मुझे करके। ये देखो कितना मस्त लग रहा है दिखने में। ओए 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 लॉरी आ गई है, ओ लॉरी आ गई है। अभी हम लोग आ गए डिस्किट मॉनेस्ट्री में। वो ऊपर है डिस्किट मॉनेस्ट्री पहाड़ के ऊपर, कितना खूबसूरत। अच्छा टोटल चार लोग ये सर। अभी हम लोग आ गए डिस्किट मॉनेस्ट्री में। सच में बहुत खूबसूरत है। पहुंच गए हम लोग। ओके तो अभी आ गए डिस्किट मॉनेस्ट्री के ऊपर। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा द ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैचू। अभी डिस्किट मॉनेस्ट्री से हम लोग जाएंगे हुंडर सैंड ड्यून्स। अभी जल्दी से जल्दी हम लोग को हुंडर का सैंड ड्यून्स तक पहुंचना है। बहुत सारी गाड़ियां है यार, ये आप दिख रहे हो ना, एक हम दो हम। भाई क्यों उठे, भाई क्यों उठे, भाई उठे। तो हम लोग उठ गए ऊपर, देख लो ये अपना सारा सेना है। एक दो तीन चार, ये एक हम्प है। आपको एक चीज दिखाओ, ये देखो। ए भाई, ए भाई, नहीं करना, और नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे ना, गुस्सा मत करो। ये कैमल लाइट का चार्ज है 300 रुपए पर पर्सन।
और आपको टोटल राइड मिलता है 15 मिनट्स का। कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत टफ राइड है, बहुत मतलब एफर्ट देना पड़ता है आपको, कुछ नहीं, आप आराम से बैठे रहो एंड ही विल जस्ट डू द रेस्ट। हम लोग आज इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। तो नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अपने साथ ऑलरेडी जुड़े हो तो, और वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, ओके। और स्टिक इन, अभी नेक्स्ट डे पे हम लोग जा रहे हैं तुरतुक, वो भी बहुत बढ़िया ब्लॉग होने वाला है। आई गेस आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँगा उस छोटे से गाँव के बारे में। तो स्टिक इन, अपने साथ बने रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो बाय, थैंक यू।